एक्साइटेड हूँ मूवी के बारे में. मूवी के प्रोड्यूसर ने बहुत कह दिया है और जितना अच्छा उन्होंने कहा, आई डोंट थिंक आई कैन एवर एवर टॉक लाइक दैट, क्योंकि उन्होंने यहाँ से बात की है. हम लोग यहाँ से बात करेंगे क्योंकि हम सोच समझ के बात करेंगे, बट ही जस्ट स्पोक फ्रॉम हियर. और जब वो बोल रहे थे तो हमारी आंखों में पानी आ गया था, बिकॉज ही एक्चुअली सुरेश जी किन्नरों के साथ रह चुके हैं, उनके दुख सुख में उनका साथ दे चुके हैं, तो वो जानते हैं कि वो क्या गुजर चुके हैं. यहाँ से खड़े होकर, दूसरे साइड में खड़े होकर बहुत कुछ बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उनकी लाइफ वही जाने वो किस चीज़ से गुजरते हैं और क्या है. मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है इस फिल्म के ज़रिए कि उन्हें इक्वलिटी दी जाए जॉब के ज़रिए, क्योंकि हम देखते हैं रास्ते में बहुत सारे किन्नर ऐसे खड़े होते हैं एंड इट इज़ नॉट अ गुड थिंग. हम उनके ऊपर कमेंट्स थ्रो करते हैं, बोलते हैं कितना गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. हम कमेंट्स थ्रो करना बहुत आसान है, लेकिन आपको पता है जब भूख पेट में होती है, जब सर पे छत नहीं होता, जब कपड़े नहीं होते किसी के पास ढकने के लिए, तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है. तो लेट्स गिव देम इक्वलिटी, उन्हें एक सही मतलब समाज में सही काम दिया जाए. सिर्फ बेगिंग के लिए रास्ते में खड़े हो जाए और बेग करे, और फिर हम वो भी करते हैं, मैं भी ये करती हूँ. मैं आई डोंट वांट टू बी पाखंडी, मैं भी ये सोचती हूँ कि ये सच में किन्नर है कि ये आदमी है जो साड़ी पहन के खड़ा हुआ है सिग्नल पे, यू नो. और फिर हम लोग हाथ पीछे कर लेते हैं कि इसको दूँ क्या, आदमी को क्यों इनकरेज करूँ मैं, औरत के कपड़े पहन के खड़ा है. वी ऑल थिंक लाइक दैट. तो क्यों उनको इस लेवल तक ले आना पड़ रहा है. लेट अस गिव देम गुड अपॉर्चुनिटीज़, गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़. इन फैक्ट मैं बहुत छोटी मुँह बड़ी बात कह रही हूँ, वाई नॉट अ रिजर्वेशन फॉर देम. रिजर्वेशन इन द सेंस, हम रिजर्वेशन के लिए लड़ते रहते हैं ये वो सब. किन्नरों के लिए क्यों नहीं एक ऐसा एक सेपरेट एक ये रखा जाए कि इनको इतना काम तो मिलना ही चाहिए, ये काम किसी और को नहीं दिया जा सकता, थर्ड जेंडर के लिए इतना काम रखा जाए, तो ताकि कोई उनका हक नहीं मार सकता. सो फिर समाज में फिर आपको रास्ते में कम लोग दिखेंगे खड़े होते हुए, यू नो. माई फेवरेट सॉन्ग इज स्कारलेट का जो है, उस पर पिक्चराइज किया गया सेल्फी कुड़ी, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ सेल्फी कुड़ी, आई ऑल्सो लाइक टेकिंग सेल्फीज. तो हमारे सेट पे बहुत लोग होते हैं सेल्फीज लेते रहते हैं, तो मैं उनको या बोलती हूँ कि हम मेरी अभी एक फिल्म आ रही है उसमें ये बहुत ही अच्छा गाना है, ये सुपर हिट गाना होने वाला है, मैं हूँ सेल्फी कुड़ी. इट्स रियली अ नाइस सॉन्ग, फुट टैपिंग है, सुनते हैं तो ऐसा मन करता है कि डांस करें उस पर, एंड अच्छे से पिक्चराइज भी किया गया है. अच्छा, तो लास्ट चैलेंज, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए ये रोल का एक्सेप्ट करना, बिकॉज इट्स अ वेरी टबू टॉपिक एंड यू नो इंडियन ऑडियंस इतना. आई लव द रोल, बिकॉज इस रोल में आई एम सपोर्टिंग द किन्नर. मैं अपने बेटे, मैं उसको धुतकारती नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे किन्नर हुआ ले जाओ इसको. आई से कि आई विल मेक यू अ नॉर्मल पर्सन, मैं तुम्हें एक आदमी के नॉर्मल इंसान की तरह जीना सिखाऊंगी. फिर अनफॉर्चुनेटली एक हादसा हो जाता है, विच आई वॉन्ट टेल यू, आप फिल्म देखिए, बट मेरा रोल अच्छा है. आई रियली लव द कैरेक्टर. यस प्लीज़, आप फिल्म को ना आप ये मत देखिएगा इसमें कौन सा बड़ा स्टार है, छोटा स्टार है. सलमान आमिर और शाहरुख खान की तो फिल्में बनती हैं और अच्छी बनती हैं, वो भी देखिए, लेकिन ये भी देखिए, इस फिल्म को भी सहारिए, क्योंकि अगर आप लोग इस फिल्म को नहीं सहारेंगे तो फिर और ऐसी फिल्में नहीं बनेंगी ऐसे टॉपिक्स पे, और ऐसे समाज के ऐसे हिस्सों को मदद नहीं मिलेगी. अगर आप रियली उनके लिए फील करते हैं, आप रियली चाहते हो कि उन्हें इक्वलिटी मिले, तो प्लीज़ उनके लिए कुछ कीजिए. आप ये फिल्म देखिए, इसे सुपर हिट कीजिए.